राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अब अटल था और यही सत्य था। अपने पुत्र दुर्योधन के प्रेम में आकंठ डूबे हुए धृतराष्ट्र यह अच्छी तरह जानते थे और समझते भी थे कि इस युद्ध में सत्य क्या है और सही कौन है, कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन अधर्मी है। धृतराष्ट्र भले ही आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन वे अज्ञानी नहीं थे। वे यह भी जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। उन्हें अपने प्रिय पुत्र की चिंता थी, लेकिन स्थिति अब उनके हाथों से निकल चुकी थी और इस युद्ध को होता हुआ देखने के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। उन्हें युद्ध क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को लेकर उत्सुकता थी, इसलिए वे संजय से युद्ध भूमि में खड़ी दोनों सेनाओं के विषय में प्रश्न पूछ रहे थे। कई बार हम भी तो यही करते हैं ना दोस्तों, हम सब कुछ जानते हुए भी सच से आंखें मूंद लेते हैं और अपने किसी प्रिय व्यक्ति का उसकी हर सही या गलत बात में साथ देते चले जाते हैं, जबकि हम यह भी जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। संजय वाचा।